जब टाइम खत्म हो जाता है और टाइम ज्यादा होता भी नहीं है, तो 5:30 हुए और इधर आज से अंधेरा हो चुका है। और आज हमारे यहाँ ना बाजार है, सब्जी बाजार है, तो गए हैं बाजार और देखते हैं कि सब्जी में क्या लाते हैं। और आज सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा मैं बिजी थी और इस समय हमको टाइम मिला है ब्लॉग स्टार्ट करने का। तो अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं। अभी मैंने बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिए हैं और दूध मैंने बैठा दी है पकने के लिए, उबलने के लिए, और देखती हूँ सब्जी में क्या आता है तो मैं बनाऊंगी। वैसे भी दाल है, अभी सब्जी भी है, दाल भी है, तो या तो रोटियां मैं बना दूंगी। और ब्लॉग तो मेरा कंटिन्यू अगर नहीं हो पाया तो कल तक इस यही ब्लॉग मेरा कल तक रहेगा, चलता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी से। सब्जी वगैरह देखते हो मेरी सब्जी में, हस्बैंड सब्जी क्या लाते हैं और सब्जी में क्या बनाती हूँ। और बर्तन तो मैंने साफ कर दिया है और बहुत आज मैंने लेट ब्लॉग इतना स्टार्ट किया है। ओके, और मुन्नी इधर थी तो अभी चली गई है उधर। चलो मुन्नी पढ़ाई करो, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। तो मुन्नी यहाँ पर सलाम कर रही है और मुन्नी को आप लोग दुआएं दीजिए कि इसका पढ़ने में मन लगे। मुन्नी का पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप लोग अल्लाह से दुआ करिएगा। नहीं लगता है, मैं लगता है दिल। हाँ, तो इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप लोग अल्लाह का लगता है। लगता है लगता है तो ओके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा उसका मन लगता है पढ़ने में, तो आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह ताला से कि उसका भी दिल लगे, मन लगे पढ़ने में। छोटी बच्ची है अभी, उसका मन नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग के स्टार्ट में रहेगा, देखते हैं सब्जी में क्या लाते हैं तो मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे। ओके, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, वेलकम है मेरे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम है, वेरी वेरी। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, जैसे मैंने बताया आप सभी लोग को कि सब्जी लाने गए थे हस्बैंड, तो बस यहाँ पर सब्जी आ चुकी है। सब्जी में देखिए क्या क्या है, टमाटर है, भिंडी है और खीरा है, आलू है और बोरो थी, बोरो मैंने निकाल कर रख दिया है उधर। तो बस यही सब सारी सब्जियां थी। और यहाँ पे देखिए ये भेजा आया है दिमाग का गुद्दी, इसको खाने से दिमाग बढ़ता है। और यहाँ पे है कलेजी, गुर्दा भी है, कलेजी भी है। तो गुर्दा भी है, कलेजी भी है और यहाँ पे मुंडे का गोश्त था, तो मुंडे का गोश्त आ गया था और ये भी आ गया था। तो
अब इसको बनाना पड़ता है। मैंने तो सोचा था ना कि मैं बनाऊंगी नहीं, दाल थी सब्जी थी तो हम लोग गर्म करके वही खा लेते, बस सोचे थे मैंने रोटियां सिर्फ बनानी थी, लेकिन जब आ गया तो मैं फ्रिज में बहुत कम ये सब रखती हूँ, वैसे मैं ताज़ा ही बना देती हूँ, चिकन हो या मटन हो। तो यहाँ पे ना उसकी मैं तो यहाँ पे मैं उसी का मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये इंडक्शन है ना, इंडक्शन तो दिखने में सही लग रहा है लेकिन पता ना कि उसको क्या हुआ है ना कि जला रहे हैं तो इसमें मतलब गर्म ही नहीं ठीक से हो रहा है गर्म, लेकिन ठीक बिल्कुल ठीक से गर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने तेल ऐड कर दिया है पकाने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसके लिए अदरक लहसुन प्याज वगैरह मैं छील रही हूँ, कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। तो रात जब हो जाती है ना तो अंधेरा हो जाता है खाना बनाने में, तो खाना बनाने का मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी खाना बने तो अच्छा रहता है, थोड़ा जल्दी से खाना बन जाता है तो ज़्यादा वो होता है ना, लेट हो जाता है तो खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने झटपट काम कर रही हूँ, झटपट मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं अपना जो है और कोई काम करूँ। तो ब्लॉग तो मेरा कंटिन्यू बना रहा, तो बस यहाँ पे मैं कुछ मिर्च काट करूँगी, कुछ अदरक कुछ लहसुन काट करके उसको मैं फ्राई करूँगी। और हमारा जो आज का मटन बनेगा बहुत टेस्टी, और टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। और क्या बताऊँ मैं आप सभी, क्या ना बताऊँ, और मैं खाती हूँ तो मैं ही जानती हूँ। तो ये जिसको खाना है ना आकर खा ले, अभी तो बना नहीं है लेकिन फिलहाल माशाल्लाह बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है, और आटा गूँथ के रख लिया है, बस यहाँ पर मैं जल्दी मैं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, प्याज फ्राई कर रही हूँ, और जो भी चीज़ें हैं ना रेसिपी वगैरह है मैं जल्दी सोच रही हूँ बन जाए मेरी, क्योंकि लेट होता है तो फिर खाना बनाने का दिल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, और देखिए कलेजी भी इसके अंदर है, तिल भी है, गुर्दा भी है, और गोश्त भी, दो चार पीस गोश्त भी इसमें है। तो बस यहाँ पे इसको हम भून लेते हैं, बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल जला देते हैं, वह भून कर बिल्कुल अच्छे से इसको भून लेते हैं। उसके बाद अदरक लहसुन प्याज, अदरक लहसुन जो मैंने पीछे ऐड किया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद सारा मसाला इसके अंदर जाएगा, और ये बिल्कुल बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, जो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो बस फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी आप सभी को, फाइनल लुक तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप सभी लोग को। और यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल भून दिया है, बस तेल ऑयल अलग हो गया है, ऑयल बिल्कुल हो चुका है अलग, और बस मसाले से जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लगवा दिया है ट्यूबलाइट, बड़की वाली ट्यूबलाइट लगाया है, तो बहुत उजाला कर रहा है। और देखिए रेसिपी बनाने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो बस यहाँ पे मैं कलेजी निकाल रही हूँ एक आध पीस बच्चे लोगों को खाने के लिए। धनिया का पत्ता है, और यहाँ पर बन गया मेरा खाना।